आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने फोन के स्टोरेज को तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड से आप स्टोरेज अब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे ना, तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ पाएगा। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी देखने को, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, इस प्रोफाइल पिक्चर को टैप करना है। अब आपका एक ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को पहले से बंद किया हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी है ना, मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है। एक काम और ये भी करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स ना, उन सभी फालतू के आपको अनइंस्टॉल कर देना है। आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपके फोन में जो भी बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना।